खत्म कर दी उसने, पैसे दे रहा हो, पैसे ना दे एक भी, बेरोजगारी खत्म कर दी, कर रोड पे बैठ जाओ, भीख मांगो और खाओ, पेट में भूखे हैं, ठीक है जी। और फैक्ट्रियों में सील लगा रहे हैं और मीटर काट के ले जा रहे हैं, अंधेरे में बैठे, चोर भी आ रहे हैं, डकैत भी आ रहे हैं, कुछ भी आओ उससे तो मोदी से कुछ आओ और एमसीडी वाले इनसे कुछ आओ, आगे समझे अम्मा, जब रोजगारी नहीं रहा, भीख भी कहाँ से मिल जाएगी, कुछ भी ना मिले कहाँ से मिलेगा, गोबर खाओ बस। रोजगार दे रही है सरकार, लेकिन आप यहाँ पे खड़े हैं, हाँ रोजगार दे रही है, हाँ रोजगार कहाँ रोजगार दे रही है, रोजगार देगी। ये जीत के बैठ गया, अपना ही भरना भर रहा है और बाकी सब बैंक में नोट भेजेंगे, बैंक के और खाते जो वे और बंद कर दिए उसने, जो वे है ना कौन से जीरो जीरो वाले, हाँ जीरो वाले खाते खुलवा रहे, नोट आंगे बंद और कर दिए, खाते बंद कर दिए, पहले सपने दिखा दिए बाद में बंद कर दिए, खाओ जी रोड पे बैठो, मिलती हो खा लो, ना मिलती है तो भूखे बैठे रहो, आगे समझ में, हाँ किराए पे मोदी देगा ना, मोदी देगा किराया भी देगा और मोदी देगा खाने के लिए, ठीक है। इन्हें ना बेरोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारी तो हटा करा क्या, जिंदगी खराब कर दी है मैडम, हजारों आदमी बेघर हुआ पड़ा है वहाँ पर, बहुत परेशानी है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, ना बीजेपी की, ना आम आदमी की, ना कांग्रेस की, हमें हमारा रोजगार वापस चाहिए, हमारी छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं उनका जो सीलिंग हो रही है उससे हमें राहत चाहिए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनको आप कहीं भी व्यवस्थित कर दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, जो हैंड टू माउथ है, सुबह सुबह कमाना रात को खाना, उनको तो राहत दें। इतना बुरा हाल है मोदी के शासन में हुआ है, मोदी के शासन में इतना बुरा हुआ है, इतना शासन में सीलिंग कांग्रेस की भी राज में हुआ, लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे घरों का ऐसे नहीं उजाड़ा जैसा मोदी उजाड़ रहे हैं, जैसा मोदी उजाड़ रहे हैं एकदम से, जो मीटर उखाड़ के लेके चले, एक 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 बंदे, एक बंदे घर में काम करने, एक आदमी कितना प्रदूषण फैला रहा, इतना साफ सुथरा काम भी काट दे रहे हैं। 26 जनवरी को भाषण दे रहे थे 26 जनवरी को लाल किले पे कि हमने इतना उद्योग बढ़ावा दे दिया, हमने इतने रोजगारों को रोजगार दे दिया, लेकिन सबके रोजगार छीन रहे, सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हैं, लेकिन अब मोदी जी की जो है सारी दुकानें समेट ली गई, लेकिन मोदी कोई नहीं हरा पाया, लेकिन अब की बार मोदी देख लेगी जनता के हाय लगेगी तो क्या हाल होगा, अपना सोचे मोदी, सोचे मोदी जी के क्या होगा, पब्लिक बिल्कुल जीतेंगे मोदी जी, चूड़ी पहन लो मोदी जी, सारे रोजगार बेकार कर दिया तुमने, मरा रहे मोदी, मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय बंद करो, व्यापारियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो सब लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोड पे आ गए, उसी का विरोध करने आज हम जंतर मंतर पे आए हैं। सरकार तो कहती है सबको रोजगार दे रही है, लेकिन यहीं पे वो आपकी फैक्ट्रियां बंद कर रही है, आपको क्या लगता है क्या करना चाह रही है सरकार के दावे, आप देख रहे हैं आज यहाँ पे कितने बड़े खोखले दावे हैं सरकार के, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है होता कुछ है, सरकार कुछ नहीं है, और हम लोग इतने परेशान इतने तंग आ गए हैं। अब जो है हमारे तकरीबन वहाँ से वहाँ हमारे क्षेत्र में 200-250 फैक्ट्रियाँ वहाँ पे हैं, चल रही थी अभी तक वहाँ, और हम 20-25 साल से वहाँ बैठे हैं वहाँ पे। पिछले समय समय पे हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप उस एरिया का सर्वे करिए और उसको इंडस्ट्री एरिया बना दीजिए आप उसको, और हम मांग भी कोई खरात में नहीं रहे सरकार से, एज पर मास्टर प्लान रूल कागजों के संविधान के हिसाब से हम मांग रहे हैं कि उसमें लिखा है जहाँ 70% इंडस्ट्री है हम उसको इंडस्ट्री एरिया डिक्लेयर कर देंगे, उसके अगेंस्ट हम मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। चलिए आप मत सुनिए, आप हमें वहाँ मत काम करने दीजिए, लेकिन हमें कहीं तो बताएं, हम सरकार बताए ना हम कहाँ जाएं कहाँ काम करें, सरकार बताएगी आखिर हम कहाँ जाएं, बवाना बसाया आपने, ओखला बसाया रिलोकेशन में, ऐसे ही कोई आप हमें बताइए आप कहाँ जाएं, हम सरकार कुछ जगह दे हमें, और सरकार से जगह हमें कोई फ्री में नहीं चाहिए, हम पैसे देंगे सरकार को, पर कुछ बताए ना सरकार हमें,
आके हमें बेरोजगार कर रही है सरकार, हम रोड पे आ गए आज। आज हम अपने कर्मचारियों समेत यहाँ पे आए हैं धरना देने के लिए सांकेतिक रूप से। इसके बाद से यदि गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती है तो हम अपने परिवार को लेकर रोड पे उतरेंगे। और देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या कहूँ कि हम सुसाइड करना पड़ जाए बस हमें गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ। इतना बड़ा कदम उठाने मजबूर हो जाएंगे हम, सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो। जो सीलिंग करवा रही है सरकार, इस पर आप क्या कहें? जो सीलिंग करवा रही है ये सरकार नजायज है। जो गवर्नमेंट, ये मोदी सरकार है, कहती है कि हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे जिससे लोगों को काम मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इनका जो कहना अलग है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। एक तरफ तो ये व्यापारियों को उजाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो है बड़े बड़े वायदे करते हैं। तो ये क्या वायदे इनके सिर्फ दिखावे के लिए हैं, टीवी में दिखाने के लिए हैं, न्यूज़पेपर में दिखाने के लिए हैं, लेकिन वो हकीकत क्या है वो आज अपनी इतनी पब्लिक आई हुई है जो आप देख रहे हैं, ये एक हकीकत है जो आपके सामने मौजूद है। ये मोदी सरकार की कथनी और करनी का अंतर दिखाती है कि व्यापारी भूखा मर रहा है, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वो कहाँ है वो बताया जाए हमें, ये पूछने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। इस हथकड़ी का मतलब है जैसे हमारी फैक्ट्रियां सील कर दी गई और बंद कर दी गई ताले लगा के, हम उसका शो करने के लिए हमने ये हथकड़ी लगाई है हाथ में। हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये सारी बंद करके हमारे पेटों पर भी ताले लगा दिए गए हैं, हम कहाँ जाएं अपने रोजगार, अपने पेट को भरने के लिए हम क्या करें, हमें बताया जाए, सरकार हमें बताए कि हम क्या करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।